कैसे हैं आप लोग। आज हम बनाएंगे मिक्स दाल। इस चीज़ मिक्स दाल के लिए हमें चाहिए, हमें ले रहे हैं एक मुट्ठी मूंग की धुली दाल, एक मुट्ठी अरहर दाल, एक मुट्ठी चना दाल, एक मुट्ठी उड़द की छिलके वाली दाल। इस समय मैंने चार दालों को मिक्स कर रही हूँ। देखो फ्रेंड्स, अब हमने इसे पानी में सोक करके एक घंटे के लिए रख दिया है। 1 आवर हो गया है और हमारी दाल भी सोक के तैयार है। अब हम इसको वॉश कर लेंगे। दाल को डाल देंगे जो हमने भिगो के और 2-3 पानी में निकाल लिए हैं। अब इसमें हम 1.5 ग्लास पानी डालेंगे। वन फोर्थ डालेंगे इसमें हल्दी और सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसे हम बंद कर देंगे कुकर को और गैस फुल करके इसे 5 सीटी तक हम रखेंगे। तो अब 5 सीटी हो चुकी हैं और हमारी दाल बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। गैस पे पैन रखेंगे दो स्पून इसमें घी या ऑयल डालेंगे, एक चुटकी इसमें हींग डालेंगे, आधा चम्मच जीरा, वन फोर्थ डालेंगे इसमें लाल मिर्च का पाउडर, और आधा चम्मच धनिया पाउडर। दो हरी मिर्च जो बीच में से मैंने स्प्लिट कर ली है वो डालेंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। अब इसमें टमाटर डालेंगे एक कद्दूकस किया हुआ और इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब इसमें हम अपनी दाल डाल देंगे सारी। तो ये अब हमारी दाल तैयार हो गई है। अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये हमारी दाल तैयार है, मिक्स दाल। देखिए कितनी झटपट बन गई और कम मसालों के साथ। तो आप भी इस दाल को अपने घर में बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी ये डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।